जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि सरकारी जमीन में किसी का घर है, सरकारी जमीन में घर है, या फिर गैर मजरूआ जमीन में घर है, या फिर ग्राम पंचायत के जमीन में घर है, या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे जमीन में घर है जो उसके नाम से नहीं है, किसी और के नाम से है और उन्हें पता नहीं है। वो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से वहां रह रहे हैं, लेकिन अपने नाम आज तक उन्होंने नहीं करवाया, न प्रोसेस में गए और ना ही उन्हें ये पता है कि आगे अपने नाम होगा नहीं होगा, कैसे आगे गुजर बसर होगा। हो सकता है उनके बच्चे को, उनके आने वाले पीढ़ी को, जिनके नाम से ज़मीन है वो परेशान करे, वो निकालने की कोशिश करे, भगाने की कोशिश करे, घर तुड़वाने की कोशिश करे। क्या करे कि इस समस्या का समाधान हो? मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं। इससे पहले मैं ज़मीन से संबंधित बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि 20 साल, 30 साल, 40 साल से मेरा घर है लेकिन आज तक मैंने अपने नाम से नहीं कराया। कब याद आया ये बात, कब याद आया कि कराना चाहिए? वो तब याद आया जबकि कोई उखाड़ने आया उसे, कोई भगाने आया उसे, या फिर किसी के नज़र पड़ी उस पर ही, तो दूसरे के जमीन में घर बनाकर आ रहा है, इसे हटाया जाना चाहिए। सरकार की नज़र पड़ी, प्रधान की नज़र पड़ी, मुखिया की नज़र पड़ी, सरपंच की नज़र पड़ी, या फिर गाँव के किसी दबंग की नज़र पड़ी कि भाई ये तो इसके नाम से ज़मीन ही नहीं, इसे उखाड़ा जा सकता है, भगाया जा सकता है। तब याद आता है, अरे ये तो मेरे नाम की ज़मीन ही नहीं है, अब कराना चाहिए। कैसे होगा? कोर्ट जाना होगा, तहसील जाना होगा, कहाँ जाना होगा, क्या करना पड़ेगा? तब ध्यान आता है। तब कहते हैं मैं तो 40 साल से हो, 50 साल से हो, लेकिन पता नहीं है कि अब आगे रहूंगा या नहीं रहूंगा, कैसे रहना है आगे, किसी प्रकार का कानूनी दाव पेच पता नहीं है, क्या करेंगे? तो ऐसे सवाल बहुत सारे आए हैं मेरे पास। मैं इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में दे दूं। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक ही रखा है, कि सरकारी जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन, गोचर की जमीन, गैर मजरूआ जमीन, या फिर दूसरे के नाम की जमीन, इस तरह का किसी भी जमीन में आपका घर है, उसे अपने नाम कैसे कराए, कैसे प्रोसेस में जाए, ये सारा प्रोसेस बताऊंगा। आते हैं सीधा मुद्दा पर। इससे पहले आपको करना क्या है कि इस वीडियो का आपको लाइक कर देना है, जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन, उसे आप लाइक कर दें। उसके बाद भी मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और फिर से उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जिनका घर 30 साल, 40 साल, 50 साल से किसी जमीन पर है लेकिन के नाम से नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, ऐसा क्यों करते हैं आप? जब आपको पता है कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से, 100 साल से, आजादी से पहले से आप किसी जमीन पर रह रहे हैं लेकिन आज तक वो आपके नाम से नहीं हुआ, आपके नाम से सर्वे तक नहीं हुआ, आपके नाम से खतियान नहीं है, आपके नाम से खतौनी तक नहीं बना, आप कमा खा रहे हैं, जिंदगी जी रहे, कभी आपने सोचा है कि आपके न रहने के बाद, आप तो चलिए वहां पर रह रहे हैं, लोग जान रहे हैं, आपके न रहने के बाद आपके बच्चों के साथ क्या होगा? हो सकता है उसे भगा दिया जाए, उखाड़ दिया जाए, सरकारी जमीन है तो सरकार के द्वारा हटा दिया जाए, गैर मजरूआ जमीन तो भी सरकार के द्वारा हटा दिया जाए, अगर ग्राम पंचायत की जमीन है तो प्रधान वहां से हटवा देगा, पंचायत के जनप्रतिनिधि का नजर पड़ेगा, जिस दिन आपसे उसको मनमुटाव होगा उस दिन हटवा देगा, या फिर किसी और के नाम से जमीन है तो उसका बेटा पोता पर पोता जो भी होगा वो आपसे कभी भी आपको परेशान करके आपको हटाने का प्रयास करेगा। तो कभी ऐसा आपने सोचा है? सोचना चाहिए भाई साहब। बहुत लोग निश्चिंत होकर जी रहे हैं, निश्चिंत होकर रह रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। इसी में से कुछ लोगों के साथ ऐसा घटना हुआ जब उन्हें हटाया गया, हटाने आया है, घर तोड़ने आया है, या फिर तोड़ने नहीं आया है, जब घर तोड़ के आप दोबारा बनाने गए हैं तो आपको मना किया गया है, आप तो घर टूट गया भाई, खाली हो गया, आप नहीं बनाने दूंगा, पेपर दिखाओ, क्या करोगे आप? यही परेशानी आती है। आपका तो घर है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से, लेकिन कभी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसे तोड़ के, जब दूसरा बनाएंगे, जब तोड़ के बनाने जाएंगे, जब मकान तोड़ते हैं तो कुछ नहीं बोलेगा, खाली हो जाएगा जब, तब कोई ऑब्जेक्शन कर देगा भाई ये सरकारी जमीन है, इस पर दोबारा नहीं बना सकते घर। अब आप साबित करेंगे कि 20 साल, 50 साल से मकान था, कहाँ है मकान? मकान तो टूट गया, अब उस मकान का कोई वैल्यू नहीं है। जब जमीन खाली हो जाता है तब कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो तोड़ के कभी बना नहीं सकते हैं। अगर बनाने जाएंगे, कभी ना कभी बनाना है, उस समय आप बेघर हो जाएंगे, या फिर ग्राम पंचायत का जमीन है तो ग्राम समाज के लोग आपको ऑब्जेक्शन कर देंगे, या फिर गैर मजरूआ जमीन है तो भी कोई ऑब्जेक्शन कर देगा, या फिर किसी के नाम से जमीन है तो उसका बेटा पोता आपको ऑब्जेक्शन कर देगा। ऐसा हो रहा है, अभी लगातार हो रहा है, जब नए नए घर लोग बनाने जा रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये जमीन किसके नाम से। तो आपको करना क्या था? पहले मैं बता रहा हूं, पहले आपको प्रयास करना था। बहुत सारा सरकार ने ऑप्शन दिया, सरकार ने तो यहां तक ऑप्शन दिया, आपको बता रहा हूं बिहार की बात बता रहा हूं, उसके बाद यूपी की बात भी बताऊंगा, बाकी पूरे स्टेट की बात बताऊंगा। बिहार के लिए बंदोबस्ती का व्यवस्था किया गया था सरकार की तरफ से, अभी भी है भाई, तुम्हारा जमीन जो है अगर तुम्हारे नाम से नहीं है, वो सरकारी जमीन में ही है, गैर मजरूआ जिसे कहते हैं, अगर सरकारी जमीन में ये काफी सालों से है, आप वहां पर रह रहे हैं और छोटा टुकड़ा है, सरकार को उसकी जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता दूं, हॉस्पिटल के लिए हो जमीन,
या फिर सरकारी स्कूल के लिए जमीन हो, किसी स्टेडियम के लिए जमीन हो, ऐसे ऐसे जमीन जो अलॉट किया जाता है सरकार की तरफ से रहता है, 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 5 कट्ठा 10 कट्ठा, उस पर तो कोई कब्जा कर ही नहीं सकता, कभी भी हटा सकती है सरकार। लेकिन जो छोटा टुकड़ा है, जैसे गैर मजरूआ जमीन कहते हैं, छोटा टुकड़ा रहता है कहीं पे 3 डिसमिल 4 डिसमिल 2 डिसमिल 5 डिसमिल, ऐसा जमीन सरकार का पड़ा हुआ है जो सरकार का कोई काम का नहीं है और आपके जमीन के आसपास है, आप वहां पे घर बनाए हुए हैं पकड़ के। तो ऑप्शन दिया गया था भाई अपने नाम से बंदोबस्ती करा लो, बंदोबस्ती का ऑप्शन दिया गया था बिहार में। अब बिल्कुल आसानी से उसको बंदोबस्ती करा सकते थे, अभी भी है, लेकिन अभी प्रोसेस बहुत लंबा हो गया है, छानबीन बहुत ज्यादा होता है। पहले देखा जाता है कि आपको इस जमीन के अलावा कहीं और भी जमीन तो नहीं है, अगर दूसरे जगह जमीन है तो आपको यह जमीन छोड़ना पड़ेगा, दूसरे जगह घर बनाना पड़ेगा जहां आपकी जमीन है। हाँ, आपके पास साफ जमीन नहीं है, आप बेघर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी भी करा सकते हैं, ऑप्शन है, अपने नाम से बंदोबस्ती आसानी से करा सकते हैं। थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा, समाज के कुछ लोगों को सपोर्ट में लेना पड़ेगा, तो अब व्यवस्था है तो आप करा ले ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। अपने नाम से बंदोबस्ती कराने के लिए ऐसा जमीन, अगर आपके पास कहीं जमीन नहीं है अभी कराना चाह रहा है, तो बंदोबस्ती कराने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, करना क्या है कि अपने जमीन की मापी करा ले, अगर पूरा जमीन है पूरे जमीन की मापी करा ले, उसमें घर है उसका एक फोटो क्लिक करें, 1 2 3 4 सभी एंगल से फोटो क्लिक कर लें, उसके बाद एक आवेदन लिखें, उसके बाद क्या करें आप पता है, उसके बाद एक नक्शा तैयार कर लें, एक छोटा सा नक्शा तैयार कर लें, आप अपने राजस्व कर्मचारी के पास जाएंगे, वो भी नक्शा देख के बता देगा, किसी अमीन को पकड़ेंगे, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो जमीन मापी करता है उससे भी एक छोटा सा नक्शा तैयार करवा सकते हैं कि ये जमीन रहा, ये खाता नंबर है, ये खेसरा नंबर है, इस तरह का नक्शा तैयार कर लें और सीधा जाकर तहसील में आवेदन कर लें। क्या क्या करना है आपको, एक आवेदन पत्र लिखना है, जमीन का अपना नक्शा तैयार करवाना है, अपने घर का जमीन का फोटो क्लिक करना है 2-4 एंगल से, और उसके बाद आपके ग्राम पंचायत में, आपके पंचायत में मुखिया है, मुखिया है या फिर सरपंच है, उनके लेटर हेड पर लिखवा लें कि ये व्यक्ति इस जमीन पर 20 साल 25 साल 30 साल या 35 साल से रह रहा है, इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई जमीन नहीं है, और लिख के लेटर हेड पर वो मुहर करके दे देंगे, सिग्नेचर करके दे देंगे। फिर इस आधार पर आपकी एक इंक्वायरी होगी छोटा सा, जो राजस्व कर्मचारी करने जाएंगे या फिर कोई हल्का कर्मचारी करने जाएंगे या फिर कोई भी तहसील से, जिसे अंचल कार्यालय कहते हैं, सर्किल ऑफिस कहते हैं, वहां से आपको भेजा जाएगा एक ऑफिसर को, इंक्वायरी करेंगे कि आपके पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर प्रोसेस में लग जाता है, आपके नाम से जमीन करने के प्रोसेस में लग जाता है, वहां से जिला में फॉरवर्ड कर दिया जाता है उस आवेदन को, और जिला से इस आधार पर आपके नाम से करके फिर तहसील में भेज दिया जाता है कि यहां से रिपोर्ट आता है कि बात सच्ची है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सब प्रोसेस है। इसके अलावा आप यूपी में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं या फिर अदर स्टेट में रहते हैं, आपको बता दूं कि बिहार झारखंड में ये ऑप्शन है बंदोबस्ती का, लेकिन मैंने बताया यूपी उत्तराखंड राजस्थान ऐसे जगहों में आप रहते हैं, तो इसके लिए है पट्टा, आप अपने नाम से करा सकते हैं, पट्टा की व्यवस्था की गई है। कोई भी ग्राम समाज की जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन है, गोचर की जमीन है, किसी प्रकार की जमीन है, हालांकि गोचर की जमीन यूपी में बहुत सारा है, गोचर किसे कहते पहले ये समझ लीजिए, बहुत सारा बीघों के बीघों एकड़ के एकड़ जमीन छोड़ा हुआ है, वो गाय के चरने के लिए सरकार ने जमीन छोड़ा था, जहां पे घास फूस लगा हो और गाय हो भैंस हो जो भी खुला हुआ जानवर होता है वहां पर चरे, सरकार ने इतना व्यवस्था दिया था, मतलब गाय भैंस प्राइवेट लोग पोस रहे हैं, लोग उसको पाल रहे हैं, लोग रख रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं, और सरकार ने उसे चरने के लिए जमीन दिया था। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे लोगों ने वहां का कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, कोई घर बना लिया, कोई झोपड़ी बना लिया, कोई बाथान बना लिया, कोई वहां पे दुकान बना लिया, कोई मकान बना लिया, सब लोग कब्जा करते चले गए गोचर की जमीन, अभी भी बहुत सारे गोचर की जमीन है वहां पे। तो सरकार उसको तो डायरेक्ट आपके नाम से नहीं कर सकती है, ना पट्टा कर सकती है और ना ही आपके नाम से बंदोबस्ती कर सकती है, ना ही किसी प्रकार से वो आपके नाम हो सकता है। लेकिन ऐसा है कि ग्राम पंचायत में अगर उस तरह की जमीन है, आपका कब्जा है 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या है कि ग्राम समाज में जो आपका प्रधान है, यूपी उत्तराखंड में आप जानते होंगे कि प्रधान होता है वहां पे पंचायत में, तो प्रधान के पास आपको जाना है, प्रधान से लिखित में आपको लेटर हेड पर लेना है। क्या लेना है आपको, ये लेना है कि भाई इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई जमीन नहीं है, यहाँ पर 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से ये रह रहे हैं, दूसरा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई घर नहीं है, ये गरीब व्यक्ति है, बीपीएल धारी है। अगर इस तरह के आवेदन में वो लिख के देते हैं, सिग्नेचर स्टाम्प करके दे देते हैं, तो फिर इसी प्रकार से आपको एक आवेदन लिखना है, जमीन के फोटो खिंचवाना है, जमीन का नक्शा उसमें लगाना है, और सब लगा के आप आवेदन कर सकते हैं तहसील में, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और राजस्थान जैसे जगहों में तहसील बोला जाता है अंचल कार्यालय को। आप तहसील में वहां पर जाएंगे, वहां पर आवेदन देंगे, और जब आवेदन देंगे तो वहां पर तहसीलदार अंचल अधिकारी जो भी है वो आपका एक्सेप्ट करेंगे, और फिर उसका भी प्रोसेस वही है,
वो जिला में भेजेंगे, जब जिला में आवेदन चला जाएगा तो वहां से आपके पास एक इंक्वायरी आएगा। इंक्वायरी कौन करेगा? जो इलाके का पटवारी है या फिर उस ऑफिस में दूसरा पदाधिकारी बैठता है या फिर तहसील का कोई पदाधिकारी है, उसे नियुक्त किया जाएगा जिला की तरफ से। वो जाएंगे आपका इंक्वायरी करेंगे कि आपका यहाँ पर सही में 20-30-40 साल से घर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रधान से पूछा जाएगा, प्रधान भी बोलेंगे हाँ सही बात है, फिर आपके नाम से करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। फिर वहां से तहसील में भेजा जाता है और तहसील से आपके नाम से करने का प्रोसेस कर दिया जाता है, आपके नाम से करके आपको पर्चा दे दिया जाता है। तो इसे हम पट्टा कहते हैं। तो बहुत सारी व्यवस्था है जिसे आपको करा लेना चाहिए था। पहले बहुत आसान था, अभी से पहले 2-3 साल 4 साल पहले ये प्रोसेस बहुत आसान था। पट्टा कराना हो या फिर बंदोबस्ती कराना हो, कोई भी सरकारी जमीन हो, गैर मजरुआ जमीन हो, ग्राम पंचायत की जमीन हो, गोचर की जमीन हो, चाहे कोई जमीन हो, कराना सरकार ने बहुत सारी सुविधा दे रखी थी। लेकिन इसमें हुआ क्या कि दबंगों ने, फर्जी लोगों ने, जिनके पास बीघों के बीघों जमीन है या फिर कम ही जमीन है लेकिन अपने जमीन में घर है, अच्छा खासा जमीन है, अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा कारोबार है, वो लोग भी इस जमीन को कब्जा करने लगे। जो उसका कब्जा भी नहीं था, खाली जमीन देख के कब्जा करने लगे, बिक्री करने लगे, अवैध कब्जा करने लगे। तो सरकार ने इसे सख्त कर दिया, इस प्रोसेस को सख्त कर दिया। लेकिन आप इसमें एलिजिबल है, अगर आप योग्य है, आप सही है, तो आज भी आप करा सकते हैं, इस प्रोसेस में जा सकते हैं। अगर सही है तो आपको प्रधान से मिलना चाहिए और इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए आपको। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने नाम से बंदोबस्ती कैसे करा सकते हैं, किसी भी जमीन को पट्टा कैसे करा सकते हैं। एक होता है वासगीत पर्चा, ये भी बिहार में ही होता है, बिहार झारखंड वगैरह में होता है, वासगीत पर्चा बोलते हैं। तो ये दलित के लिए है, एससी एसटी जो होते हैं उनके लिए है कि उनका जमीन में घर, सरकारी जमीन, गैर मजरुआ जमीन, सरकारी जमीन गैर मजरुआ, तो पहले समझिए गैर मजरुआ जमीन वो होता है जो सरकार के अंदर में होता है लेकिन किसी के नाम से नहीं होता है, वो सरकार के अंदर में होता है लेकिन किसी के नाम से नहीं होता है, उसे गैर मजरुआ जमीन कहा जाता है। नक्शा में भी गैर मजरुआ लिखा रहता है, गैर मजरुआ आम, गैर मजरुआ खास, गैर मजरुआ में दो प्रकार की जमीन होती है। तो इस तरह का जो जमीन है तो वो अपने नाम से, जैसे दलित है कोई, एससी एसटी है, तो ज़्यादातर दलित एससी एसटी का देखा गया है बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, इन सभी जगहों में सरकारी जमीन में ही घर होता है, या फिर कहीं किसी का जमीन खाली है, उसका मालिक नहीं, उस जमीन में घर होता है, गैर मजरुआ जमीन में घर होता है, तो वहाँ पर घर बना के रहते हैं। उनके पास अपना जमीन ज़्यादातर लोगों का नहीं होता है, तो उन लोगों ने सरकार ने प्रावधान किया कि अगर आप 20 साल 25 साल 15 साल, मतलब अधिक दिनों से, 12-13 साल से अधिक दिनों से वहाँ पर रह रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करा सकते हैं, अपने नाम से वासगीत पर्चा कटा सकते हैं। तो उसके सरकार ने व्यवस्था किया है कि 3 डिसमिल जमीन हर दलित को, एक परिवार को 3 डिसमिल जमीन मुफ्त में दिया जाता है। अब उसको जरूरी नहीं है कि जिस जमीन पर उसका घर है वही जमीन दिया जाए। होता क्या है कभी कभी कि आप तो सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं या गैर मजरुआ जमीन पर बसे हुए हैं, सरकार आपको 3 डिसमिल जमीन देना चाहती है। जब आवेदन आप करेंगे इसी प्रकार से जो मैंने प्रोसेस बताया, आवेदन जब किया जाता है तो सरकार ऑप्शन देती है कि भैया इस जमीन का काम है, इस जमीन पर मुझे कुछ करना है, स्कूल बनाना है, पंचायत भवन बनाना है या कुछ बनाना है, अगर कोई काम का होता है तो सरकार कहती है मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, चूंकि तुम समूह में हो, 10 घर 20 घर 15 घर 20 घर हो, तो मैं तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ, उसको दूसरे जगह जो सरकारी जमीन होता है, गैर मजरुआ जमीन होता है जो किसी काम का नहीं होता है, फिर वहां पे उस मोहल्ला को शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां सभी के नाम से 3-3 डिसमिल जमीन दे दिया जाता है बाई पर्चा उसके नाम से करके। तो ऐसा बहुत सारा किया गया है बिहार में, झारखंड में, इन सभी जगहों में वासगीत पर्चा होता है जो दलित के लिए होता है, एससी एसटी के लोगों के लिए होता है, धड़ल्ले से वासगीत पर्चा वहां बांटा जाता है। दोस्तों इससे संबंधित कई वीडियो मैं बना चुका, इससे पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं कि अपने नाम से कैसे करेंगे, छोटा वीडियो है, प्रोसेस भी पूरा बता चुका हूं, हालांकि इसमें भी बताया हूं, उसमें भी विस्तार से बता चुका हूं। तो उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो तो आपने देख लिया, वो भी जाकर वहां पर देख सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। ये वीडियो दोबारा इसलिए बनाया था कि बहुत सारे सवाल इस पर आ गए थे। दोस्तों आपको किसी नए टॉपिक का वीडियो चाहिए, कोई कानून से संबंधित, कोई जमीन जायदाद के प्रॉब्लम से संबंधित, या फिर कोई नया मोटिवेशनल, या फिर कोई सरकारी योजना से संबंधित, किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं हर वीडियो किसी न किसी के टॉपिक पर बनाता हूं। तो मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करेंगे तो इसी प्रकार से नई नई वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहेगा। बगल में बेल घंटी है, उसको भी दबा लेंगे आप। अगर पहले से सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।